हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अरबी भाषा सिखाने वाला हूं। इसमें आप लोगों को मैं अरबी भाषा बताऊंगा कि किस तरह से आप अरबी बोल सकते हैं, आप अरबी को समझ सकते हैं। इसमें जो मैं आपको बताऊंगा ये रूम के रिलेटेड बताऊंगा, यानी कि जो रूम में सामान होता है, यूज होने वाला रूम के अंदर जो सामान होता है उसे अरबी में क्या कहते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया से सऊदी आओगे तो आपको एक रूम मिलेगा, रूम में जो सामान रहेगा और उस सामान को अरबी में क्या कहा जाता है। अगर आपको मालूम रहेगा तो आप अपने कफिल से मांग सकते हैं कि हमारे रूम में ये सामान नहीं है, हमें दे दो, ठीक है। अगर नहीं मालूम रहेगा तो आप कैसे मांगोगे, किस तरह से बात करोगी, तो मैं यही बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मालूम हो जाएगा कि किस तरह से आप अरबी को बोल सकते हो, किस तरह से समझ सकते हो। इसमें मैंने पहले वर्ड बताऊंगा, पहले हिंदी बताऊंगा, उसके बाद में अरबी ट्रांसलेट करूँगा, ठीक है। हिंदी से अरबी ट्रांसलेट करके मैं आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से बताऊंगा, जो कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट तैयार किया हूँ, ये भी फट गया है, कैसे क्या मालूम, मैंने लिखा था लेकिन फट गया है, तो ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमें सेठ मिलता है उसे हम कफिल कहते हैं। अरबी में कफिल कहा जाता है, हिंदी में सेठ कहा जाता है। और वो जो सेठ होता है वो कफिल होता है, कफिल को हम बाबा कहते हैं। और बाबा मतलब होता है पिताजी, हिंदी में हम पिताजी कहते हैं, अरबी में हम बाबा कहते हैं। और रूम, हिंदी में हम लोग रूम कहते हैं कमरा, और अरबी में कहा जाता है गुरफा, ठीक है। हिंदी में रूम, अरबी में गुरफा, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। अब रूम मिल गया हो आपको, रूम को गुरफा कहा जाता है। अब रूम के अंदर जो सामान होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रूम का दरवाजा को क्या कहा जाता है, बाप, क्या बोलते हैं, बाप, दरवाजा को बाप, ठीक। सेठ को कफिल, यानी हमारा जो सेठ रहेगा उसको हम कफिल बोलेंगे, ठीक है। रूम के अंदर हम नमाज पढ़ेंगे तो नमाज को क्या बोला जाता है, सलाह, सलाह बोलते हैं ये लोग, सल्ली भी बोलते हैं, ठीक है, आप रहोगे तो मालूम पड़ जाएगा, नमाज को सलाह बोला जाता है, ठीक है। सामान, कोई भी सामान हो, सामान बोलते हैं ना, ये सामान वो सामान, तो सामान को अगरात कहा जाता है, हिंदी में समान, अरबी में अगरात, ठीक है। समान को अगरात कहा जाता है अरबी में। एसी, एसी का मतलब होता है अरबी में मुकेफ, एसी हिंदी में, अरबी में मुकेफ। फ्रिज, फ्रिज, फ्रिज हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, और हम लोग आम बोलचाल में फ्रिजी कहते हैं, ठीक है। और फ्रिज को क्या कहा जाता है, तलाजा, ठीक है। फ्रिज अरबी में तलाजा। चारपाई, जिसे हम खटिया कहते हैं, चारपाई का मतलब होता है शरीर, अरबी में शरीर कहा जाता है, हिंदी में चारपाई, अरबी में शरीर। गद्दा, बिस्तर, हिंदी में हम गद्दा बिस्तर कहते हैं, अरबी में इसको फरसा कहा जाता है, फरसा, ठीक। कंबल, कंबल जानते हैं ना, कंबल हिंदी में, और अरबी में इसको बतानिया कहा जाता है, बतानिया। तकिया, तकिया हम कहते हैं हिंदी में, लेकिन अरबी में इसको कहा जाता है मकद्दा,
क्या मकद्दा, इसको अरबी में मकद्दा कहा जाता है। बर्तन प्लेट, हम बर्तन जानते हैं, हिंदी में बर्तन कहते हैं, प्लेट कहते हैं, और अरबी में इसको सहन कहा जाता है, सहन। मोबाइल, ठीक, ये मोबाइल होता है ना, मोबाइल, हम मोबाइल कहते हैं, और अरबी में इसको जवाल कहा जाता है, जवाल, ठीक है, जवाल। सिम, जो मोबाइल के अंदर सिम लगा होता है उसको अरबी में कहा जाता है सरीहा, सरीहा, ठीक। लैट्रिन, लैट्रिन का मतलब होता है हम्माम, ठीक है, हम्माम, लैट्रिन हम बोलते हैं, अरबी में इसको हम्माम कहा जाता है। पानी, पानी, पानी हम कहते हैं अरबी में मोया, मोया, ठीक है, मोया कहा जाता है। कपड़ा हम बोलते हैं ना, बोलते हैं हम कपड़ा पहना हूँ, तो कपड़ा, कपड़ा को मलाविस कहा जाता है, मलाविस, ठीक। प्रेस, जो हम प्रेस करते हैं, प्रेस को कहा जाता है मकुआ, अरबी में मकुआ कहते हैं। बैग, बैग, बैग को हम कहते हैं, बैग कहते हैं, अरबी में इसको संता कहा जाता है, संता, ठीक। थैली, थैली होता है ना, प्लास्टिक का थैली और कपड़े का भी थैली होता है, तो उसको, थैली को किस कहा जाता है, किस, ठीक है। प्लास्टिक का थैली जो होता है हम थैली कहते हैं, लेकिन अरबी में इसको किस कहा जाता है, किस। टेबल, टेबल होता है ना बैठने वाला, खाना रखने वाला, टेबल, टेबल को तावला बोलते हैं, तावला, ठीक। गैस, गैस को बोलते हैं ये लोग गास, हम लोग गैस बोलते हैं, ये लोग अरबी में गास बोलते हैं, गास। लाइट, लाइट, समझ रहे हैं, ये लाइट चली जाती है तो लाइट, ये लाइट बोलते हैं हिंदी में हम, लाइट, अभी उजाला है ना, लाइट है ना, तो लाइट, लाइट को क्या बोलते हैं, नूर, अरबी में नूर कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इतना बताया वर्ड, आप इसे याद करेंगे जो कि आपके बहुत काम का चीज़ है, खास करके अगर आप हाउस ड्राइवर में आ रहे हैं काम करने के लिए, तो ये जो मैं वर्ड बताया हूँ ये बहुत काम आने वाली है, ठीक है, ये मैं आपको बताया, ये बहुत काम आने वाली है, अभी मैं वर्ड बताया हूँ, अगर आप इस वर्ड को याद कर लेते हैं तो मैं आने वाले वीडियो में मैं इसे मिलाकर बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने कफिल से सामान को मांग सकते हैं। जैसे अगर आपके रूम में गैस नहीं है तो उसे मांग सकते हैं कि हमें गैस दो, ठीक है। अभी मैं मिला के बोलूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए पहले एक वर्ड याद कीजिए, ठीक है। देखिए मैंने वीडियो बना रहा था, उतने में मेरी मैडम का फ़ोन आया, मैंने फ़ोन रिसीव किया, मेरे को रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ा। इसी तरीके से फ़ोन कभी भी इन लोगों को आ जाता है तो हमें जाना पड़ता है, अभी मैडम हम को हमको लाना है जा कर के। तो इस वर्ड को आप याद करिए, जो मैंने वर्ड अभी बताया हूँ ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक स्टेप बताते रहूँगा ताकि आप अच्छे तरीके से अरबी समझ सकते हैं, ठीक है। चैनल पे अगर हमारे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपको बहुत काम आएगी। अगर आप हाउस ड्राइवर में काम करने के लिए आ रहे हैं तो गल्फ के किसी भी कंट्री में, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं पर भी आ रहे हैं तो आपको बहुत काम आने वाली है। तो बस वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, जा रहे हैं मैडम को लेने। आने वाले वीडियो में मैं आपको मिला करके बताऊंगा कि किस तरह से आप अरबी मिला करके बोल सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।